मंत्र का अर्थ ही कता है, और चीजें अपने को याद रहे नहीं रहे, लेकिन इस मंत्र का अर्थ याद होना चाहिए। इस मंत्र का अर्थ अगर आपको याद है तो यू समझ लो पूरा शक्ति आपके पास है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्या अर्थ है? हम कोई भी मंत्र बोले उस मंत्र का अर्थ अपने पास होना चाहिए, तो ही तो काम है। मंत्र बोलते रहे मंत्र का अर्थ नहीं याद है, जैसे मान लो किसी ने बंदूक टांग ली और बंदूक चलाता नहीं याद है, बंदूक तो टांग ली चलाता नहीं याद है, दूसरों छुड़ा के मार गए। इसलिए कोई भी शस्त्र आपके पास हो उसके चलाने की विधि भी होना चाहिए, कोई भी मंत्र आपके पास हो उसका ज्ञान भी होना चाहिए। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अर्थ ओम। जैसे हम ओम बोलेंगे कहां से प्रारंभ होगा? नाभि से। नाभि किसे कहते हैं? ये शरीर का जो मध्य भाग है, अपनी भाषा में उन्हें ड्यूटी के ये नाभि। अब जैसे ओम बोलेंगे कहां से प्रारंभ होगा? नाभि से। ओ ओ ओ देखो ओ, कहां पहुंचा? ब्रह्म ब्रह्म। कई शब्द है संसार में, कई शब्द ऐसे हैं जो तलवेर जीवान की रगड़ से बनते हैं, कई शब्द ऐसे हैं जो होठ और जीवान की रगड़ से बनते हैं, कई शब्द ऐसे हैं जो दांत और जीवान के सहारे से बनते हैं, कई शब्द, और कई शब्द ऐसे हैं जो बाहर के बाहर ही, जैसे अपन बोले मां, कतरी गहराई है मां, और देखा एक और नाम बोल के देखो पापा बारी, दो ही होठ मल जार पापा बन जार, भीतर से मां है। हृदय के भाव को समझे, हम कहां जा रहे हैं? आधुनिकता की दौड़ में सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई है। हम मां बोलेंगे अंदर से भाव निकल करके आएगा, मां की करुणा निकल करके आती है। तो ओम कहां से प्रारंभ होगा? नाभि से। ओम ओम एक अक्षर है, शब्द है, इसके तीन भाग हुए हैं ओम के, आ उ और मा। संस्कृत के हिसाब से ओम के तीन भाग हैं, आ उ और मा। सिर्फ ओम बोला अपन ने, कितना अक्षर आया? आ उ और मा। आ से ब्रह्मा, उ से विष्णु और मा से महेश, खाली अपन ने ओम बोलियो वाले। ओम बोलते ही तीन देवताओं का नाम आ गया, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसीलिए हर मंत्र के आगे ओम है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवताओं का नाम आ गया, अब आप सबको मालूम है ब्रह्मा जी के अधिकार में 11 करोड़ देवता, विष्णु भगवान के अधिकार में 11 करोड़ देवता, और शंकर भगवान के अधिकार में भी 11 करोड़ देवता। तो खाली अपन ने ओम बोलियो, अभी ओम बोलते कितना देवता को नाम आ गयो? 33 करोड़ देवता। खाली ओम, ओम नमो। नमो का मतलब होता है वंदन करना, नमो का मतलब होता है प्रणाम करना, नमो का मतलब होता है नमन करना। ओम नमो, मैं उन 33 करोड़ देवताओं की वंदना करता हूं। देखो ओम नमो, मैं उन 33 करोड़ देवताओं की वंदना करता हूँ। भगवते, भगवते का मतलब होता है भूर्भुवस्वा, भूर नाम आकाश, भू नाम पृथ्वी, स्वनाम पाताल। आकाश के भी 7 भाग है, सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, मृलोक, ध्रुवलोक। पृथ्वी के भी 7 भाग है, कल की कथा में प्रियव्रत जी 7 भाग करेंगे भूगोल, और पाताल के भी 7 भाग है, तल वितल सुतल महातल तलातल रसातल और पाताल। 3 भागों की सृष्टि कितने भाग में बटी है? 21 भागों का ब्रह्मांड। क्या अर्थ हुआ? मैं उन 33 करोड़ देवताओं की वंदना करता हूं जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, पालन भी करते हैं और स्वयं नाश भी कर देते हैं। वासुदेवाय का मतलब हुआ शेषनाग। वो शेषनाग बनकर जो पूरे ब्रह्मांड को अपने माथे पर रखकर बैठे हैं, ऐसे नारायण की बार बार वंदना करता हूं। ये अर्थ एक बार और सुन लो। कथाएं तो आप सुनते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे। ये सृष्टि है, इस मंत्र का अर्थ याद रखिए।
एक पंक्ति, मैं उन 33 करोड़ देवताओं की वंदना करता हूँ जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं और स्वयं नाश भी कर देते हैं और स्वयं शेषनाग बनकर पूरे ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर रखकर बैठे हैं। ऐसे नारायण की बार बार वंदना बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।